बलमृत बिलासपुर के मुखिया अरुण पाल आर एस पटियाल ने दो मंडलों की कार्यशाला के आयोजन करते हुए बताया कि विभाग ने अवेयरनेस प्रोग्राम के लिए 15 लाख का बजट जारी किया है। फायर स्टेशन में सरकारी स्कूलों में अधीनरत विद्यार्थी जंगलों को आग से बचाने के लिए अहम भूमिका निभाएंगे। वन विभाग ने संवेदनशील व अति संवेदनशील जंगलों के निकटवर्ती स्कूलों के विद्यार्थियों को जंगलों को आग से बचाने को लेकर जागरूक करने का निर्णय लिया है। बलमृत बिलासपुर के मुखिया अरुण पाल आर एस पटियाल ने दो मंडलों की कार्यशाला का आयोजन करते हुए बताया कि विभाग ने अवेयरनेस प्रोग्राम के लिए 15 लाख का बजट जारी किया है। फायर सीजन में सरकारी स्कूलों में अधीनरत विद्यार्थी जंगलों को आग से बचाने के लिए अहम भूमिका निभाएंगे। वन विभाग ने संवेदनशील व अति संवेदनशील जंगलों के निकटवर्ती स्कूलों के विद्यार्थियों को जंगलों को आग से बचाने को लेकर जागरूक करने का निर्णय लिया है। उन्होंने बताया कि स्कूलों में अवेयरनेस प्रोग्राम कोरोना वायरस के चलते स्थगित किए गए हैं और अप्रैल में बच्चों को आगजनी की घटना से बचने के लिए कार्यशाला का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि बिलासपुर बलमृत के लिए 1 लाख के बजट का प्रावधान किया गया है, जिसके तहत 70,000 बिलासपुर और 30,000 की राशि कुनिहार डिवीजन के लिए स्वीकृत किया गई है। उन्होंने बताया कि विद्यार्थी बनों की सुरक्षा के प्रति जागरूक होंगे तो वे समाज में जंगलों की सुरक्षा को लेकर जागरूकता पैदा करने में भी भूमिका निभा सकेंगे। उन्होंने बताया कि जंगलों को आग से बचाने के लिए साझा वन प्रबंधन समितियों के साथ ही स्थानीय जनता और जनप्रतिनिधियों का सहयोग अपेक्षित है। हालांकि विभाग की ओर से अतिरिक्त स्टाफ की तैनाती करने के साथ अन्य पुख्ता बंदोबस्त भी किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि 15 मार्च से लेकर 15 जून तक फायर सीजन रहता है और इस दौरान कर्मचारियों की छुट्टियां भी रद्द रहती हैं। उन्होंने बताया कि अप्रैल मई और जून माह में सबसे ज्यादा घटनाएं होने का अंदेशा रहता है, इसके लिए विभाग की ओर से पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। इस बार बारिशें हो रही हैं जिसके कारण अभी तक जंगलों को कोई नुकसान नहीं है। इसके अलावा कंट्रोल बर्निंग और फायर लाइन क्लियरेंस का कार्य भी किया जाएगा। और उसके साथ साथ ऑफिस का जो 30 लोग हैं स्टाफ हैं उन्होंने भी इसमें पार्टिसिपेट किया। तो ये मंडल स्तर की एक वर्कशॉप थी। इसी प्रकार की एक वर्कशॉप जो है वो कुनिहार डिवीज़न में भी की जाएगी और उसके बाद लगभग आज से कोई हफ्ता 10 दिन के बाद एक सर्कल लेवल की वर्कशॉप का भी आयोजन किया जाएगा, जिसमें जो बैलेंस स्टाफ है, जो बाकी स्टाफ रहता है, उनको भी बुलाया जाएगा और बलमृत लेवल की वर्कशॉप जो है उसका आयोजन किया जाएगा। तो इसके साथ ही जैसे आपको पता है कि फायर जब जंगल में लग जाती है तो उसको उस वक्त चेक करना बड़ा मुश्किल होता है, स्प्रेड जब एक बार हो जाए। तो उसके लिए हम ये करते हैं कि बचाव के उपाय करते हैं फायर सीजन से पहले। तो बचाव के उपायों में जो सबसे पहले आता है कंट्रोल बर्निंग। कंट्रोल बर्निंग में हम क्या करते हैं कि जो जंगल में सूखे पत्ते टहनियाँ होती हैं उनको हम बनों में आग के रोकथाम के लिए हम फायर सीजन से कुछ उपाय करते हैं फायर सीजन से पहले, जिसमें कि कंट्रोल बर्निंग के मुख्य उपाय हैं। तो अभी दोनों डिविजन्स में हम 648 हेक्टेयर एरिया में बनों में कंट्रोल बर्निंग की कर चुके हैं। ये फरवरी महीने में होती है, लेकिन इस वजह थोड़ा सा क्योंकि बारिशें वगैरह लेट होती रही तो हमने मार्च में भी इसका कंट्रोल बर्निंग लिया है। इसके साथ ही साथ हमारी फायर लाइंस बनी होती है जंगल में, उनको क्लियर करना ज़रूरी है। तो 85 किलोमीटर लंबी फायर लाइंस वो भी हमने क्लियर कर ली हैं और 1.2 किलोमीटर फायर लाइन हम नई बना रहे हैं। ये भराड़ी रेंज में बन रही है और इनका भी ये फायर लाइन का काम ये होता है कि जब एक जंगल में आग लग जाए तो अगले जंगल में स्प्रेड ना हो, दो जंगलों के बीच में ये हिंड्रेंस का काम करती है ताकि जंगल आपके बचे रहें। इसके साथ ही साथ हम वर्कशॉप जैसे आज हमने स्टाफ की उसके लिए उसके साथ हमने रेंजेस को भी बजट दिया है, वो अपने पंचायत लेवल पे और लोगों की वर्कशॉप भी करेंगे। इस बार जो है स्कूल के बच्चों के साथ भी हमने वर्कशॉप करने का प्रोग्राम बनाया था, लेकिन अभी कोरोना वायरस की वजह से और अदरवाइज स्कूल में आजकल एग्ज़ाम चल रहे हैं तो मार्च में तो हम उसको शायद न कर पाए, लेकिन अप्रैल में हम कोशिश करेंगे कि स्कूल के बच्चों को भी इस टाइप की वर्कशॉप में इन्वॉल्व किया जाए। और इसके साथ साथ हम सॉइल कंजर्वेशन के काम भी करते हैं, जिसमें चेक डैम लगाते हैं। चेक डैम लगाने का उद्देश्य यही होता है कि जंगलों में जितना मॉइस्चर रहेगा आग उतनी ही कम फैलेगी और पानी भी उसमें इकट्ठा हो जाता है, तो उस पानी को यदि इमरजेंसी में आग बुझाने में भी वो उपयोग में लाया जा सकता है। सर, लोगों का सहयोग किस तरह से रहता है? वॉचर्स भी इंगेज करते हैं जो हमारी सेंसिटिव बीट्स हैं,
वहाँ फायर वाचर भी एंगेज किए जाते हैं, जहाँ जिस जंगल में ज़्यादा आग लगने की संभावना रहती है वहाँ हम उनको डिप्यूट करते हैं फायर सीजन में। सर जो आपके कर्मचारी ऑफिस के उनकी छुट्टियाँ फिलहाल लगभग सभी लोगों की छुट्टियाँ चाहे वो फील्ड का है चाहे वो ऑफिस का है वो खत्म कर दी जाती हैं, सस्पेंड कर दी जाती हैं, अनलेस अनटिल कोई बहुत ही ज़्यादा कोई इमरजेंसी केस ना, हम जनरली छुट्टी नहीं। सर इस बार विभाग कोई और तरीके से जो आग लगती है उसके लिए कोई स्पेशल प्रावधान किए गए? हाँ, इस बार हम कुछ फायर ब्लोअर्स वगैरह या दूसरे मॉडर्न टेक्निक्स हैं, इम्प्लीमेंट्स हैं, उनको हम परचेज कर रहे हैं। तो फायर ब्लोअर जो है वो फायर लाइन को क्लियरेंस करने में काम आता है,